हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। मैथमेटिक्स में नंबर्स कैसे कैरेक्टराइज होते हैं, कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है, कितने डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स होते हैं, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन कि नंबर्स शुरू कहाँ से होते हैं। सो आप सब ने एक टर्म सुना होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो फॉर्म होता है वो ये होता है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर द वैल्यू ऑफ आयोटा इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो सारे नंबर्स हैं वो इसी से डिराइव होते हैं। लेट्स सी कैसे होते हैं। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम बेसिकली शुरू करेंगे रियल नंबर्स से। तो रियल नंबर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही डिराइव होकर आता है। वो कैसे आता है, लेट्स सी। इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ये थ्री पार्ट्स होते हैं। ए इज़ कॉल्ड द रियल पार्ट, आयोटा दैट इज़ आई इज़ नोन एज द इमेजिनरी नंबर, एंड बी इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इस बी की वैल्यू ज़ीरो होती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ बी इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, देन जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन जेड विल बी इक्वल्स टू ए। सो दिस इज हाउ वी गेट द रियल नंबर्स। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ही प्रेजेंट होगा तो उस नंबर को हम बोलेंगे रियल नंबर्स। नाउ लेट्स लुक एट द डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर्स। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो मैंने आपको बताया, इफ बी इक्वल्स टू ज़ीरो, द नंबर फॉर्म्ड इज अ रियल नंबर। उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। और इसकी डेफिनेशन और क्या हो सकती है, एनी नंबर दैट वी कैन थिंक ऑफ एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ डिनोटेड बाय आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर्स को हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट आर से। नाउ रियल नंबर्स दो चीज़ों में डिवाइड होते हैं, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। लेट्स सी, रियल नंबर्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज, दैट इज़ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। हम पढ़ते हैं पहले रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिससे हम डिफाइन करते हैं कि वो नंबर जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं। रैशनल नंबर को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है, ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो पा रहा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। रैशनल नंबर्स में क्या होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म में नंबर रिप्रेजेंट होना चाहिए जिसमें q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए और p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए, तो ही हमारा जो नंबर है वो क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और रैशनल नंबर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट q से, कैपिटल q से हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट्स सी वॉट आर इरेशनल नंबर। जो नंबर्स रैशनल नहीं हैं वो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे, विच मीन्स कि जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर्स हो जाते हैं। बट इसमें भी q शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, इस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो सच एज p अपॉन q, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ लेट्स मूव ऑन। जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज़ इंटीजर्स एंड सेकेंड इज़ फ्रैक्शंस। मैं आपको यहीं पर एग्जाम्पल देके बताती हूँ इंटीजर्स क्या क्या होते हैं। ऑल द नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो एंड द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब आप पूछेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो हम आगे स्टडी करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल्स लिख के बता देती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं, -3, -3, -1, 0, 5, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर इंटीजर्स। फ्रैक्शंस क्या होते हैं हम सभी जानते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो a अपॉन b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सके। 3/5 इज़ अ फ्रैक्शन। क्या हम 5 को भी फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, येस वी कैन डू इट। कैसे कर सकते हैं, 5/1। क्या हम ज़ीरो को फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, येस वी कैन डू इट। कैसे कर सकते हैं, 0/1। सो ऑल द इंटीजर्स आर एक्चुअली फ्रैक्शंस ऑल्सो,
बट नॉट ऑल द फ्रैक्शंस आर इंटीजर्स. लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर्स. एन इंटीजर इज अ नंबर विद नो डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट. इसका कोई भी डेसिमल नहीं होना चाहिए. आपको अच्छे से समझाऊँ इस लाइन को. सो ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स, जिसमें पॉइंट होता है उसके बाद डिजिट्स होती हैं. ये सारे क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स. बट इंटीजर्स आर ऑल द नंबर्स जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता है. या फिर आप इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर मैं किसी इंटीजर को 1.0 लिखूं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. सारे इंटीजर्स 0.0 लगा के लिखे जा सकते हैं, दैट इज़ ऑल राइट. बट ऐसे वाले डेसिमल फॉर्म्स में इंटीजर्स नहीं होते हैं. ये डेसिमल फॉर्म्स हैं. इंटीजर्स प्रॉपर नंबर्स होते हैं, लाइक -3, -4, -1, 0, 1, 2, 3. जो परफेक्टली नंबर्स होते हैं वो सारे ही इंटीजर्स होते हैं, जिनमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है. नेक्स्ट, सारे ही इंटीजर्स को किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करा जाता है? अल्फ़ाबेट जेड से. और कैसे कैसे इंटीजर्स होते हैं? इंटीजर्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. दैट इज़ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज़ 1 to infinity, और सारे नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज़ -infinity to -1 and 0. तो ये है पूरा इंटीजर्स की नंबर लाइन. सी, दिस इज़ द नंबर लाइन. ये है हमारी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट. ये सारे -infinity से शुरू हो रहे हैं, -1 तक आ रहे हैं. ये सारे हैं नेगेटिव इंटीजर्स. फिर बीच में 0 आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो एन इंटीजर. एंड 1 से लेकर +infinity तक ये है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के और आगे क्या क्लासिफिकेशन है और किस पार्ट्स में वो डिवाइडेड हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे. तो इंटीजर्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स. हमने ऊपर नंबर लाइन में देखा था कि ये सारे क्या हैं, माइनस. आपको पता होगा माइनस साइन के साथ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ये सारे हमारे क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स हैं. अब क्या होता है, होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? 0 से लेकर सारे इंटीजर्स प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाले हमारे कहलाते हैं होल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 0 को हटा दो बस. होल नंबर्स में से 0 को अगर हम हटा दें तो 1 से होने वाले सारे प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटीजर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, नेगेटिव नंबर्स में और होल नंबर्स में. होल नंबर्स में 0 है और नेचुरल नंबर्स है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स लुक द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर्स. होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विद द नंबर 0. जो मैंने आपको बताया, 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं. अगर उसमें हम 0 को और ऐड कर दें तो ये नंबर सिस्टम क्या हो जाता है? होल नंबर्स कहलाता है. द सेट ऑफ होल नंबर्स इन मैथमेटिक्स इज द सेट. ये सेट है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है. और जो हमारे होल नंबर्स हैं वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट होते हैं? अल्फ़ाबेट W से. वेरी ईजी. नाउ लेट्स सी नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होते हैं? अल्फ़ाबेट N. सारे पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर्स. ये टर्म सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली टर्म्स ही दे देते हैं. फाइंड द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एंड काइंड ऑफ स्टफ. तो ये सारे टर्म्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज़ प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो जो भी नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है सिंपली आपको एक लैंग्वेज में समझाऊँ तो, जो भी नंबर सिर्फ खुद से डिवाइड हो सके या नंबर 1 से डिवाइड हो सके उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, नंबर 3 के फैक्टर्स हम कैसे लिख सकते हैं? क्या नंबर 3 को हम 1 into 3 लिख सकते हैं? क्या कोई और फॉर्म है जिसमें हम नंबर 3 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं, हम नंबर 3 को सिर्फ इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं. इसका मतलब 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 2. एक है 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. सो 3 इज़ अ प्राइम नंबर. अब
अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन देख लें, वही है जो मैंने बोली, एक बार रीड आउट कर लेते हैं. प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट आर वन, द नंबर वन, एंड द नंबर इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो सके और सिर्फ वन से हो सके, वही प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. बाकी सारे नंबर्स जो होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है. अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? हमने देखा कि जो थ्री था उसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स थे. अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ नंबर टेन का. क्या नंबर टेन को मैं वन इंटू टेन लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ. क्या नंबर टेन को टू इंटू फाइव लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ. तो टेन के कितने फैक्टर्स हो गए? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं टेन के? वन, टू, थ्री, फोर. फोर. तो जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं वो नंबर सारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हम जिन भी नंबर्स को डिफरेंट फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे नंबर्स हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं. एक बार जल्दी से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स से ज़्यादा हैं. इंटीजर्स विच कैन बी जनरेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड कंटेन एटलीस्ट वन डिविजर अदर देन नंबर वन एंड इटसेल्फ आर नोन एज कॉम्पोजिट नंबर्स. अगर किसी नंबर के तीन भी फैक्टर्स हैं तो भी वो कॉम्पोजिट नंबर है. अगर किसी नंबर के हंड्रेड फैक्टर्स हैं तो भी वो कॉम्पोजिट नंबर है. बस दो से ज़्यादा होने चाहिए तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा. चलिए देख लेते हैं. एक बात आप याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चंस में काफ़ी हेल्प कर सकता है कि वन से लेकर टेन के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे. तो वी हैव 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. काफ़ी हमें ऐसे याद हो जाते हैं जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, सम करते हैं, तो काफ़ी हमको ऐसे याद हो जाते हैं कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऑल ऑफ दीज आर प्राइम नंबर्स बिकॉज इनके कोई फैक्टर्स नहीं होते अदर देन वन एंड अदर देन देमसेल्व्स. तो जो भी ऐसे नंबर्स होते हैं इनके कोई भी फैक्टर्स नहीं होते हैं, बस दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक नंबर वन. नंबर वन तो सभी का फैक्टर होता है. चलिए अब फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं. हम फैक्टर्स फैक्टर्स बहुत बोल रहे हैं, फैक्टराइजेशन क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं. फैक्टराइजेशन इज़ कि हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, तो उस फॉर्म को हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन. प्राइम नंबर्स के ऑफकोर्स दो फैक्टर्स होते हैं तो हम उसको दो के मल्टीप्लिकेशन में ही सॉल्व कर सकते हैं. हम यहाँ चार एग्जांपल्स देख रहे हैं नंबर टू का. नंबर टू के फैक्टर्स क्या क्या है? वन इंटू टू, ये एक प्राइम नंबर है, तो फिर इसके कितने फैक्टर्स हो गए? दो. सिमिलरली 3, 5, 11, इन चारों नंबर्स के दो दो फैक्टर्स हैं, ये चारों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका फैक्टराइजेशन कैसे हुआ? जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखा है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टराइजेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स. यहाँ पे है 12 का एग्जांपल, नंबर 12. नंबर 12 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 1 into 12, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 2 into 6, ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 3 into 4. तो अब मैं आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर्स कितने हुए, तो 12 के फैक्टर्स आप क्या बोलेंगे? ये पूरे छः जो फैक्टर्स हैं ये 12 के ही फैक्टर्स हैं. दैट आर 1, 2, 3, 4, 6, 12. ये सिक्स फैक्टर्स जो हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं. तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, 36. 36 इज़ आल्सो 36 इज ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर. 36 को हमने कैसे कैसे रिप्रेजेंट करा है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में किया. 36 को 1 into 36 लिख सकते हैं, 2 into 18 लिख सकते हैं, 3 into 12, 4 into 9, 6 into 6. तो ये सारे जो फैक्टर्स हो गए ये क्या है? 36 के फैक्टर्स हो गए. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी विल स्टडी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स. अब आप इसमें देखोगे कि इस वाले जब हमने ये सारे फैक्टर्स लिखे हैं तो क्या हो रहा है इसमें? तो इसमें क्या हो रहा है कि सारे जो इसके फैक्टर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है. हमारा 2 प्राइम नंबर है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. हमारा 3 प्राइम नंबर है, चलो फाइन. बट जब हम 4 पे आ रहे हैं तो दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. 6 ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर. 9 ऑल्सो अ कॉम्पोजिट नंबर. तो हमको क्या करना है? हमको ऐसे फैक्टराइजेशन करना है नंबर्स का कि जो उसके फैक्टर्स आएँ वो सारे ही प्राइम नंबर्स आएँ. ओके, तो हम वो कैसे करते हैं? हम वो एक ट्री मेथड से करते हैं. वो हम करके देखते हैं. मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, दो काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं. थोड़े बड़े एग्जांपल्स ले रहे हैं जिससे अगर हम बड़े एग्जांपल्स कर पाएंगे तो छोटे एग्जांपल्स को भी बड़ी ही इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे. सो लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ नंबर 72. 72 को मैं किस फॉर्म में लिख सकती हूँ? सबसे ईजिएस्ट फॉर्म में लिख के देखते हैं. ठीक है, मैं 4 into 18 लिख सकती हूँ.
आप और भी चीज़ें लिख सकते थे, आप 2 × 36 भी लिख सकते थे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच फाइन, बट मैंने लिखा है 4 × 18। अब 4 को मैं और कैसे ब्रेक डाउन करूँ, मुझे 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो मुझे 4 को प्राइम नंबर्स में डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, 4 को 2 × 2 कर दिया, 2 और 2 आर प्राइम नंबर्स, तो चलो मेरी ये वाली ट्री हो गई। नेक्स्ट 18 को करना है, 18 कैसे सिंप्लीफाई करूँ कि वो थोड़ा प्राइम नंबर्स की तरफ बढ़े, तो मैंने क्या किया, 3 × 6 कर दिया। अब मैं देख पा रही हूँ जो हमने 4 का 2 × 2 किया था उसमें जो 2 है वो प्राइम नंबर हो चुका है, उसे एज इट इज़ लिख लिया। जो सेकंड 2 है वो भी प्राइम नंबर हो चुका है, उसे भी एज इट इज़ लिख लिया। जो 3 है वो भी प्राइम नंबर हो चुका है, उसे भी एज इट इज़ लिख लिया। पर जो नंबर 6 है अभी वो कॉम्पोजिट नंबर ही है, इसे भी मुझे प्राइम नंबर में डिवाइड करना है, तो आगे मैंने 2 × 3 कर दिया। अब जो ये सारे नंबर्स हैं ये हमारे क्या आ गए, सारे ही सारे प्राइम नंबर्स आ गए। तो दिस इज़ वॉट, ये है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72। ये हमने 72 को ऐसे ब्रेक डाउन किया है कि वो अपने सारे ही प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ 96। 96 को डिवाइड करके फॉर्म में लिख दिया 6 × 16। नाउ 6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4। अब इन सब में से कितने प्राइम नंबर्स बन चुके हैं, क्या क्या प्राइम नंबर्स बन चुके हैं, 3 बन चुका है तो 3 को एज इट इज़ लिख लिया, 2 बन चुका है 2 को एज इट इज़ लिख लिया, 4 नहीं हुआ है तो 4 को ब्रेक डाउन करके 2 × 2 लिखा है, एक और 4 है उसको भी 2 × 2 लिखा है। तो जो नीचे ये सारे प्राइम नंबर्स आए हैं ये क्या आया है हमारा, ये आया है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 96। अब ये तो हमने करा स्प्लिट वाले मेथड, अब हम करेंगे स्टेबल मेथड से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ईजी है और काफ़ी ही फास्ट हो जाती है इससे आपकी कैलकुलेशन। सो वील फर्स्ट सी दी एग्जांपल ऑफ 24। हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन को करते कैसे हैं टेबल फॉर्मेट से, वो हम देख लेते हैं। पहले 24 को हमने यहाँ लिखा, जिस भी नंबर को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की प्रोसेस से ले जाना है उस नंबर को यहाँ लिख लेंगे राइट हैंड साइड पे। अब इसको हमने सबसे, अगर हम देखेंगे 2 है, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हमेशा याद रखिएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज़ द नंबर 2। तो हम 2 से देखेंगे क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 लिखेंगे, फिर इसे डिवाइड करके 12 लिख दिया। अब 12 है क्या 2 से डिविजिबल है, 6 लिख दिया डिवाइड करके। अब क्या 6 2 से डिविजिबल है, 3 लिख दिया। क्या 3 2 से है, नहीं है, तो अब नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा है, नंबर 3, तो 3 से करेंगे 1 आ गया। तो 24 के सारे प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 2 × 2 × 3। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज़ 36। 36 को हम देखेंगे 2 सबसे फर्स्ट कौन सा प्राइम फैक्टर होता है, 2, तो 2 से डिवाइड करके देखा 18 आ गया, 18 को 2 से करा 9 आ गया। 9 को 2 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सो द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 3। 3 से करके देखा 3 आ गया, 3 से करके देखा, जब तक हमारा लास्ट का यहाँ पे टेबल में नंबर 1 ना आ जाए हम प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस करते रहेंगे, और जो भी हमारी लेफ्ट साइड में आते हैं नंबर्स वो इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके हमारा नंबर वापस से आ सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज़ 48। 48 के साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे और इसके भी हमारे सारे ये प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ जो कि काफ़ी ही स्मॉल है बट जल्दी हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर 25। 5 को क्या मैं 2 से कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। क्या मैं 3 नंबर से कर सकती हूँ, नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट प्राइम नंबर इज़ 4। 4 नहीं है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है। 5 से कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, मैंने 5 से डिवाइड किया और यहाँ पे 5 लिख लिया। अब नेक्स्ट इसे क्या मैं 2 से कर सकती हूँ, 3 से कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। 4 से तो कर ही नहीं सकते, कॉम्पोजिट नंबर है। 5 से यस वी कैन डू इट। 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 1। तो अब 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 5 और 5। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं 25 को, 25 = 5 × 5। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस है ये हमारे काफ़ी यूज़फुल आने वाला है क्वेश्चंस में। हमें बड़े बड़े प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करने पड़ेंगे तो हमको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप कुछ एग्जांपल्स खुद से सॉल्व करें, कुछ नंबर्स रैंडमली पिकअप करें और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें और सारे ही टर्म्स को रिवाइज कर लें। बिकॉज क्वेश्चंस में अक्सर आता है कि लेट्स टेक अ ग्रुप ऑफ होल नंबर्स, लेट्स टेक अ ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर्स, या फाइंड द सम ऑफ these much of composite numbers, there is a group of
प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 12, ऐसे वेरियस क्वेश्चंस में आपको ऐसे टर्म्स से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो उनसे फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विश ऑल ऑफ यू गुड लक.